हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं मेरी मॉम की बेस्टी की बेटी की शादी, एंड टुडे इज़ हल्दी डे। और यहाँ प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। हम चले मंदिर की ओर, क्योंकि शादी का हर एक चीज़ माता के दरबार में लेके जाना पड़ता है, उनके आशीर्वाद से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ देखो हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड। उसके बाद हल्दी रस्म शुरू हो गई, फैमिली के हर एक मेम्बर ने लगाया हल्दी। एंड गाइज, बेटियाँ तो लक्ष्मी का रूप होती है, तो हम लोग आशीर्वाद लेते भी हैं। और यहाँ देखो मेरी मम्मी सबको हल्दी लगा रही है, किसी को भी नहीं छोड़ रही है। फैमिली में तो बेटियाँ सबको प्यारी होती है। और यहाँ हम पोज देते हुए ब्राइड के साथ शुरू हुआ हमारा डांस। दुल्हन को भी नचाया हमने विद सम ठुमकास। फिर आई मॉम एंड ब्राइड की बारी, जो कि इमोशनल मोमेंट होता है सबके लिए। मेरी मम्मी और आंटी की गॉसिप खत्म में ही नहीं होती है। इन लोग मेरे को जाने ही नहीं दे रहे थे, डांस करने के लिए बुला रहे थे, लेकिन हम चले घर की ओर। एंड द नेक्स्ट डे था शादी, उसके बाद महादेव के दर्शन भी हो गए। एंड लुक एट हर, शी सो ब्यूटीफुल। और हम सब भारतीयों का वेट कर रहे थे, एंड वी वर ऑल सेट टू गो। और आ गए हमारे दूल्हे राजा ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा पंजाब। हमारा रिचुअल शुरू हो गया। और ये है हमारे ब्यूटीफुल ब्राइड का भाई। और हमारे नेपाली कल्चर में धूप का माला बहुत ही शुभ माना जाता है, सो हम फर्स्ट वरमाला उसी को प्रिफर करते हैं। यहाँ शुरू हो गई सालियों की डिमांड। सब कुछ वहाँ ख़त्म होने के बाद पूजा शुरू हो गया। शादी का हर एक रस्म नेपाली कल्चर में किया गया था। बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए आई सिंदूर अर्पण की बारी, और हमारे यहाँ वाइट कपड़े में रख कर होती है। और फाइनली शी इज़ नाउ मिस टू मिसेस। फिर क्लिक किया दो तीन पिक्चर्स, एंड आई रिसेप्शन की बारी। एंड यू कैन सी डेकोरेशन बहुत ही सुंदर हो रखा था। यहाँ मेरी मॉम एंड डैड आशीर्वाद देते हुए, पर मेरा बाबू को कोई मतलब नहीं, बस उसको नाचना है। और यहाँ उसके दादू पूरा खतरों के खिलाड़ी वाला सीन बन के उनके फ्रेंड लोग के साथ फोटो क्लिक कर रहे थे। और फिर क्या था, डांस शुरू हो गया विद द ब्यूटीफुल सालियांस। बहुत नाचा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।